हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थी एंड कास्ट 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेस पर बर्फ लगाने के क्या फ़ायदे हैं, मतलब फेस पर आइस क्यूब लगाने से क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपके ग्लो के लिए आपका चेहरा एकदम चमकने लगेगा, बहुत सारी जानकारी है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं पहले नंबर का जो फ़ायदा है उससे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक जानकारी दे दूँ आपको, जो फ्रेंड्स आपका बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो आइस क्यूब हैं, तो उन्हें डायरेक्टली फेस पर नहीं रगड़ना है। उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, कपड़ा लेना है, सूती कॉटन का कपड़ा लेना है, और अच्छा साफ कपड़ा लेना है, एकदम धुला हुआ अच्छे से। उस कपड़े में फ्रेंड्स आइस क्यूब को आप लपेट लीजिएगा। आइस क्यूब को लपेटने के बाद क्या होगा, फिर आप चेहरे पर आराम से लगा सकते हैं। फिर ऐसे ही लगा सकते हैं चेहरे पर आइस क्यूब को, कपड़े में लपेट गए, या फिर कोई प्लास्टिक कंटेनर हो, मतलब छोटा सा, या फिर कोई प्लास्टिक बैग वगैरह हो तो उसमें भी लगा के तब लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स। तब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। नंबर वन बेनिफिट्स है फ्रेंड्स, कील और मुहासों से छुटकारा। सबसे पहले ये बात बता दूँ आपको कि जो आपके कील और मुहासे हो जाते हैं फेस पर बहुत ज़्यादा, तो उनसे बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपके लिए। तो कील मुहासों से छुटकारा बेस्ट मिलने वाला है, तो किसी भी, मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कील मुहासे हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में, तो फ्रेंड्स वो है काले घेरे और आंखों की सूजन से आराम। फ्रेंड्स, जो आपके काले घेरे हो जाते हैं आंखों के नीचे, या फिर नाक पर, यहाँ पर काले घेरे हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो उस टाइम पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। और आंखों में अगर सूजन वगैरह आ रही है तो भी आप आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रोम छिद्र को करें बंद, मतलब आप जो आपके रोम छिद्र होते हैं फ्रेंड्स, नाक वगैरह में बहुत ज़्यादा रोम छिद्र हो जाते हैं, वो आपकी स्किन बहुत ख़राब लगने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में उस टाइम पे ये रोम के जो छिद्र होते हैं वह बंद कर देता है फ्रेंड, और आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो रोम छिद्र है उनको में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वो आपके रोम छिद्र हैं वो बंद होने लगेंगे, तो वो पोर्ट्स भी आपके बंद हो जाएंगे, जिससे स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी और ग्लोइंग लगने लगेगी फ्रेंड्स। बात करते हैं चौथे के बारे में, तो फ्रेंड्स वो है आइस होती है मेकअप प्राइमर। फ्रेंड्स, मेकअप प्राइमर का मतलब आप जब मेकअप करें तो उससे पहले आप आइस से अपना चेहरा साफ कर लीजिए, उसके बाद आप अगर मेकअप करेंगे तो ग्लो बहुत, मतलब गजब का ग्लो आएगा। जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली मेकअप करते हैं, उससे पहले अगर आप प्राइमर के रूप में ऐसे यूज करें आइस क्यूब को, तो उस टाइम पर आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी बेस्ट मिलेगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पाँचवें के बारे में, तो बढ़ता है चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन, मतलब चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है तो उस टाइम पर काफ़ी बढ़ने लगेगा आपका, आपके चेहरे पर मतलब अच्छी ग्लो दिखेगी, चेहरे पर एकदम रेडनेस, अच्छा चेहरा खिलने लगेगा आपका, तो ब्लड सर्कुलेशन भी चेहरे का बढ़िया होगा, आपकी जो जितनी भी डेड सेल्स हैं वो अलग हो जाएंगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं छठे के बारे में, तो फ्रेंड्स वो है लंबे समय तक बना रहता है निखार। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि आपका जो निखार है वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ क्लियर हो जाएगा, आपके जो निखार की, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनका निखार ढल हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जो निखार है फ्रेंड्स काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहेगा, और आपको जो समस्या है निखार के संबंधित वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, निखार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी आइस क्यूब को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं सातवें के बारे में, एजिंग की प्रक्रिया को करें धीमा। फ्रेंड्स, एजिंग का मतलब जो आपकी स्किन की लचीलापन है, ढीलापन है, आपकी स्किन लटकने लगती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी एज बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से स्किन ढीली होने लगेगी, तो उसकी स्किन एजिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको भी काफ़ी अच्छे तक हद तक इसे कवर करती है, और एकदम स्किन को टाइट रख के चेहरे को एकदम स्मार्ट बनाता है फ्रेंड्स, तो ये भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है यहाँ पे भी, एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करने में काफ़ी मदद करता है इसकी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आठवें के बारे में, तो फ्रेंड्स वो है धूप के नुकसान से बचाए। फ्रेंड्स, क्या है, हमारी जो धूप हो जाती है, मतलब धूप की वजह से चेहरा काला पड़ जाता है, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, तो ब्लैक चेहरे की जो चमक चली जाती है तो उसको भी काफ़ी अच्छे से क्योर करता है, और बहुत अच्छे से निखार देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ फ़ायदे थे, बेनिफिट्स थे आइस क्यूब के। तो फ्रेंड्स, सावधानी ये बरतनी है आपको, डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा रिव्यू था आइस क्यूब के फायदे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। अगर आप इसे यूज करोगे तो 15 दिन बाद मुझे खुद आप मैसेज करोगे कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, ये वाली आप प्रक्रिया करके देखना, फेस के लिए काफ़ी अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।